गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे हमारी 7D, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की। हमारी एक्सरसाइज 7D में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखना ध्यान से, आपको ये फिगर दे रखे हैं, है ना। पहली चीज़ ये देखो कितनी लाइन से बना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 लाइन है, और ये कितना फिगर है, 1, मतलब 5 मल्टीप्लाई में 1। ये कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, और ये भी 5 लाइन का है, लेकिन कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है। इस एक में भी 5 लाइन है, ये क्या है, 5 मल्टीप्लाई में 3। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, इस फिगर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे द रूल इज, कौन सा रूल है, द रूल इज 5 मल्टीप्लाई में n। क्या बोलोगे, 5n, 5 मल्टीप्लाई n का मतलब 5n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ शेप्स। n क्या है, नंबर ऑफ शेप की, इसमें एक शेप है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, ये चीज़ लिखनी है बस ये लाइन को काउंट करके, क्लियर है। देखो बेटा जो सेकंड पार्ट है, इसमें 1, 2, 3 कितनी लाइन है आपकी, 3 लाइन है, है ना, 3 लाइन। इसमें कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें होगी 7, तो किसी का मल्टीपल नहीं बन रहा ये। देखो लेकिन ये कितनी है, 1, 2, 2 प्लस में एक ये हो गया 1, 1, 2 प्लस में 1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2 हैं और एक फिगर है 2n प्लस में 1, यहाँ पे लिख देती हूँ 2n प्लस में 1, दो फिगर हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, है ना। एक बार n की जगह क्या रखा मैंने, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1, एक बार क्या रखा है, 1 रखा, फिर 2 रखा n की जगह, फिर क्या रखा, 3, यही होगा, काउंट कर लो यही आएगा, 2 और 1, 3, 3 लाइन है, 2, 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गया, 2, 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लाइन होगी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी लिंक्ड विद ए गिवन पैटर्न, ये कह रहा है इस पैटर्न से कौन सा लिंक कर रहा है, जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपका लिंक कर रहा है, कैसे मैं बता देती हूँ। पहला है 3n प्लस 1, देखो 1, 2, 3 तीन लाइन है आपकी, 3 मल्टीप्लाई में 1 एक फिगर है, क्लियर है, 1, 2, 3 लाइनें हैं, एक फिगर है, और प्लस में क्या कर दिया मैंने 1, तो ये 4 हो गई। फिर देखो नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी है, 7, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1, यही होगा, दो बार अलग अलग ये बड़ी वाली लाइनें हैं इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक। नेक्स्ट देखो 1 रख दिया, ये आ गया, 2 रख दिया, ये आ गया, मतलब अब थर्ड के लिए क्या रखूँगी मैं, 3, क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 1, मतलब 9 प्लस 1, कितनी लाइन होनी चाहिए, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप खुद ट्राई करना, नहीं होता तो मैं बता दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1, 2, 3, 4, पहले में कितने डॉट हैं, 4, नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने डॉट हैं, 8, इसमें 4 डॉट हैं, इसमें 8 डॉट हैं, नेक्स्ट में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8, 9, 10, 11, 12 कितने डॉट हैं, 12, किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में, मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, मतलब क्या लिखोगे, 4n, किसका रूल है ये, 4n का, n की जगह एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3, क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आप सॉल्व करोगे, अगर कोई डाउट होता है तो हम या तो जूम क्लास में क्लियर करेंगे या फिर डाउट सेशन में।